था। जानवर वसूद के अंदर मिजाह भी है, और याद रखिए मिजाह क्या है। किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा इसमें एक और नुक्ता डाल दो, मिजाज नहीं। बुखारी ने मुझसे पूछा, वो आजकल बड़ी मुतनाज़े है शख्सियत, पूछा कि प्रोफेसर मिजाज क्या होता है। महम कई में खिया अंदर आहो मह जिसे सड़न लग दी है ते असड़न लग पे। नहीं है बड़े नमनाक से होते हैं अनबर कह कहे तेरे, कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार के पीछे। और याद रखिए अजीजों, याद रखिए मिजाज वो होता है जिसको नचोड़े तो उसमें से आंसू निकल सकते। बहुत सी बातें की जा सकती, बातें होती करने के लिए है। तो भर में ये पहला कथा जो मैंने कहा अयूब साहब के जमाने में कहा, जब अयूब साहब बरसरे इक्तदार थे तो जान का कोई मसला था, रोयत दे इलाज का मसला था, और ये मसला कौन सा खत्म हो गया थे केला हो गया अनबुकड़ेबल। मैं आपसे जिस मोहब्बत से बुलाया है, जिस गुरूर से बुलाया है, यकीन कीजिए ये तकरीब मेरे लिए अनफ्रामोशेबल है। शख्स बनाए जा सकते हैं, ऐसे ही तो बनते हैं, ऐसे ही तो बनते हैं, आप क्यों ना बनाए शख्स। और अंग्रेजी के साथ सलूक भी ऐसा ही होता है दोस्तों, इंग्लिश जरूरी है हमारे पास, खेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। सारी उम्र मैंने जबान पढ़ाई है, ये सारी जो ये है आर्यी जुबानें एक माँ की बेटियां हैं। ठीक क्या चलो नीचे चला जाएगा जी, ये सारी आर्यी जुबानें एक एक खानदान की है, जिसे कहते हैं पंजाबी में बत्तर, वो उस माया को बाटर पड़ रहा। कोई अंग्रेज को समझाओ अनवर के दुख्तर लिख के डाटर पड़ रहा है। ये दुख्तर है भाई साहब है, वो चंगा भला पद लिखता बैठ पढ़ता, हूं दसो चंगा भला पद लिखता उनकी पीता जाता, केड़ी थां लावा द्रोपे केड़ी थां मिटा।